जिस बिसरत तन पसम जिस बिसरत तन पसम
कहते सब प्रेत। खेने ग्रह में बसन ना देव खिन ग्रह में बसन ना देव ही जिन सो सोई कर्म ए हो खेत।
बीते सोलुणे कर्म एहो खेत जिस बिसरे जिस बिसरत तन पसम होए जिस बिसरत तन पसम होए कहते सब प्रेत तन शरीर बड़ा महंगा मिले है गुरु सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई गुरु ने आख्या कंचन काया कोटगढ़ बड़ा कीमती पर एक ख्याल करियो हर एक चीज का कोई मकसद है जे वो मकसद पूरा ना होवे तो उस वस्तु की वैल्यू खत्म हो जाती मैं एक वर्ज की थी आ कड़ी है इनका मकसद है टाइम दसना किसी हर वेले हाथ ते बन के रखता है भार चुकी फिर पर जे भला एक घड़ी खराब हो जाए बंद हो जाए टाइम ना दसे ते कोई तुहाडे कोलों टाइम पुछ ले भी तेरे घड़ी बननी हुई है टाइम की है ते तू आखे मेरी घड़ी चलदी नहीं टाइम नहीं दस सकती तो पुछन वाले दा पहला फिक्रा हो गया फिर जे टाइम ही नहीं दसदी एवं क्यों भार चुके क्यों हाथ ते बने एग्जाम्पल्स हर एक चीज का कोई मकसद है गुरु ने बाणी अंदर अपने आने का भी मकसद पूछे है गुरु को कहते ने मालिक मैनू पता होवे मैं क्यों बनिया मैं क्यों बनिया मैं अपने आप नाल प्यार भी करना संभाल भी करना पर मैनू पता भी तो होवे ना भी आखिर मेरे आउन दा मेरे बनन दा मकसद की है एक सवाल कीता ने कमन काज सिरजे जग भीतर तू मैनू संसार विच किस काज लई मेरा मकसद की है क्यों बनाया है मैं हंस कीती सी जदों मैं कोई सब्जेक्ट छेड़दा खिलारा आप ही पै जाता है गुरु कहते ने कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया मैनू दसो मैं क्यों बनिया हर चीज का जे कोई मकसद है जिन्हियां वस्तुआं तुसी देखते हो मनुख बाजारों खरीद के लिया उनका कोई मकसद हुंदा है खरीद के लिया मैनू अपने आने का कोई मकसद का पता ही ना हो हर चीज का मकसद है हुन मसला जे मकसद खत्म हो जाए कारज खत्म हो जाए तो उसका फायदा कोई नहीं निष्फल है गुरु ने इस शब्द के आरंभ विच
एक गल आखी कहन लगे तन बड़ा कीमती है क्योंकि कर्म करने लिए बनया कर्म धरती शरीर है ते कर्म ही मनुख दे जीवन दी वैल्यू है चंगियाईयां बुरियाईयां बाद च धर्मां दो कर्मी आपो अपनी जिवे कर्म कमाउंदे ते वे फल ते कर्म करके ही मनुख दी वैल्यू है तन दी वैल्यू है जे भला जदों शरीर मर जांदा है शरीर विच तू जड़ा जोत रूप हो के बैठा है जे ओ ना होवे जोत उठ जाए तो शरीर कर्म नहीं कर सकता व्यर्थ हो जाता है तो फिर उन लोग प्रवान करते हैं उनकी कोई वैल्यू होंगी उन्हों लोग प्रेत प्रेत आख के उनके कोलों डरते हैं बल्कि जेड़ा घर उसने बनाया हुंदा जेड़ा परिवार उसने साजिया हुंदा जिन्हों दिन रात संभालिया हुंदा वो प्रा परिवार दे जी आखदे ने छेती इन्हों घरों कढ़ो खेन ग्रह मैं बसन ना दे वही गुरबाणी कहते जिस विसरित तन भस्म होए वो तन वो शरीर ਪਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਕੋ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭੂਤ ਭੂਤ ਆਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹਰਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਇਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਬ ਇਹ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ कहते सब प्रेत खिन ग्रह में रह बसन ना देवे उन्हू फिर कहने जिन्नी जल्दी हो सके इन्हू घरों कढ़ो जिनसो सोई है जिंदे नाल हुण तक तू स्नेह रखिया है ते जिन्ना लई कर अनर्थ दर्ब संचया अनर्थ करके चंगे भैड़े कम करके चोरियां ते ठगियां करके दौलत इकट्ठी कीती ते जिन्ना दे सुखां दा समान बनाया दस तेरे किस कम आए सो कारज के अगले पासे एक लफज आ गए जिहड़े हुण आपां लैके अगे तुरना बाबा कबीर जी दे उस श्लोक आखरी श्लोक तो वो है जेहा बीजे सोल उन्हें कर्म यो खेत ए शरीर एक कर्म खेत है सवाल पैदा होया सी जहां जे जे तू गृही है ता धर्म कर जो ग्रह ता धर्म कर क्योंकि गृही ने कर्म करने ते कर्म नू धर्म चाहिदा है धर्म का अर्थ है नियम मर्यादा हर चीज जो बनी है उनका कोई नियम है हर देश ने संविधान क्यों बनाए ने कि जो कुछ भी इस देश विच रहन वाला कोई मनुख करे उनू पता होवे क्या संविधान है हिंदुस्तान ने सड़कां बनाईयां उत्थे कर दिता एक संविधान विच के खब्बे पासे चलेगा कोई उल्ट चले होंदे ते उन्हूं टिकट मिल जांदी इस मुल्क ने अपने संविधान विच सड़कां बना के लिख दिता कि सज्जे पासे चलेगा हुण इत्थों दा संविधान जिन्हें इत्थे रहने उन्हें इत्थों दे संविधान दी पालना करनी जिन्हें सड़क ते कोई भी ट्रैफिक कोई सी किस्म दी कोई गड्डी लैके चलना है उन्हों उस संविधान दी पालना करनी पैनी है क्योंकि दुनिया अंदर कोई चीज भी बनी है उन्दे नाल संविधान दा संबंध है क्योंकि कर्म जेड़ा है उन्हों धर्म चाहिदा है गल इत्थों चली सी अपना सब्जेक्ट चल रहा सी कि कर्म ते धर्म दा संबंध की है तीजा ते
तीजा हफ्ता है आज ये प्रोग्राम चल रहा। कर्म जिन्ना है ओनू धर्म चाहिए। उन्हें एग्जाम्पल दे रहा हर देश ने संविधान क्यों बनाया। संविधान एक धर्म है। इस देश विच जिन्हें कोई काम करना है उसने उस संविधान के मुताबिक करना है, वो जरूरी है। हुण देखना यह है कि संविधान तो बना दिता, खेत लई भी संविधान है। खेत है शरीर। हमने तो कही सी गुरबाणी एक कर्म एहो खेत। इस खेत विच शरीर विच शरीर जिहड़ा है वो कर्म दा खेत है। खेत विच फसल बीजी जाती है। खेत जमीन दे टुकड़े नूं आखदे ने, उन्दे विच फसल बीती जाती है, खेती कीती जाती है। हुण देखना की है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां दी लोड़ क्यों पई? खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी है। खेत तो लोगों के अपने ने, बीजने भी उन्होंने ने, वढ़ने भी उन्होंने ने, पर सरकारां नूं वक्त दीआं हकूमतां नूं यह लोड़ क्यों पई कि कोई खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दी जाए? वो की करती है? ना तो जाके हल पाउंदी है, ना वो सिर्फ उत्थे किसान नूं कोई नियम दिंदी है, मर्यादा दिंदी है कि जे तू इस खेत विच आ बीजना चाहना है तो तैनूं इस खेत नूं इउं तैयार करना पएगा, मौसम दी इंतजार करनी पएगी। इस क्योंकि आन रुती आन बोईए फल न फूले तां गुरबाणी कह रही ये नियम है। इनू धर्म कहते हैं, खेतीबाड़ी का धर्म। यूनिवर्सिटी केवल खेतीबाड़ी का धर्म समझा रही है, खेतीबाड़ी करती नहीं, धर्म समझा रही है। ते गुरु कहते मैं तेन शरीर की जड़ी खेती है, ये खेत जरा इन्दे विच जो बीजना है कर्म, मैं उनका नियम समझाना। ये लफज जड़े ने मैं बद्धी सच धर्मशाल है। मैं नज़र आया भी ये धर्मशाल लफज जरा वरत्या गया ना, ये मानो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। गुरु नानक ने आख्या लो मैं तुहाडे कर्म की खेती जिहड़ी है उहदी यूनिवर्सिटी एक धर्मशाला बना दिती है। इहदे विचों तैनू कर्म खेती बारे समझण की लोड़ है। धर्म कराए कर्म तुरों फुरमाया। धर्म ने कर्म कराने ने। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने खेतीबाड़ी करन दा तरीका दसना है, उन्दे नियम उन्दा संविधान उन्दा वसीला दसना है। इन्दा मतलब ये हो गया भी धर्म दे अधीन कर्म है। लो एथों मैं हुण अगले पासे तुरना चाहना आज दे सब्जेक्ट नूं लैके। इत्थे एक फैसला करना होगा, ओए कि कर्म दे अधीन धर्म है कि धर्म दे अधीन कर्म है। ये तो होया भी साडा धर्म ते कर्म दोहां दी जोड़ी है, ये वख वख नहीं हो सकते। कोई भी खेती कोई भी फसल जिहड़ी है, क्योंकि खेत कुछ होर चीज़ है, खेती कुछ होर चीज़ है। जमीन तीन तरह की होंदी है। एक जमीन नूं बंजर कहिंदे ने जिथे कुछ भी नहीं होंदा, बंजर जमीन। एक नूं बैरानी कहिंदे ने जिथे होंदा है पर बहुत मशक्कत नाल होंदा है, उत्थे पानी दा इंतजाम नहीं, रेतला एरिया, उन्हूं बैरानी जमीन कहिंदे ने। एक उपजाऊ, उहदी कीमत सब तो ज्यादा है। तीन तरह की फसल किसान जानता है, तीन तरह की जमीन है। तो हर एक का नियम है, जे तुसी बैरानी विच फसल बीजनी है तो उत्थों दे नियम होर ने, क्योंकि उत्थे पानी का इंतजाम कोई नहीं,
ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਵੇ ਦਰਿਆਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਬੀਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਜੋਂ ਕਿ ਖੇਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਕਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਵੈ ਜੋ ਵੱਤ ਨੂੰ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਤਾਂ ਫਸਲ ਹੈ ਕਰਮ ਤਾਂ ਫਸਲ ਹੈ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਮ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਲਓ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਸਮੇਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣਿਆ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਮ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਬਣਿਆ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਇਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਵਰਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਧਰਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਧਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਧਰਮ ਨੇ ਵਾਚਣਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ
वो विद धर्म निरूपी है, करता दिसे सब लोए। आखे मनुख ने बहुत तरह का धर्म बना लिया, हुण ये तो नहीं ना वी रब बस एक होवे ते धर्म बहुते होण। धर्म ते बहुते ने, गुरबाणी ने जिहड़े लफज कहे ने सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, इहदा मतलब बहुते धर्म ने, सारिया धर्मां विचों कोई श्रेष्ठ। किसी की गिनती चॉइस तो मनुख की उदों ही होंगी जो बहुत चीज़ा हो, जो चीज ही एक होदों वक्री कोई चॉइस नहीं होंगी। इख्तलाफ भी उदों ही पैदा होंगे ने, झगड़े भी उदों ही पैदा होंगे ने। भाई गुरदास जी ने बड़ी खूबसूरत गल आखी, कह लगे चार वर्ण चार मजहबां जग विच हिंदू मुसलमान वक्रे वक्रे हो गए, ते फिर नतीजा की निकलिया, खुद ही बखीली तकबरी सब कुछ पैदा हो गया। पर वो वक् वक् क्यों होए, लो मसला उथों मैं चाहना आप चंगी तरह समझ के गए। इसलिए मैं अर्ज की भी ऐसा सब्जेक्ट मिल गया जिन्हों महीनों पर चल दे, हर पहलू समझने वाला है। कह लगे परेशानी की हो गई, क्योंकि कर्म के अधीन धर्म कर लिया गया, तो इन सब तो ज्यादा सफल कौन होया, उसी ब्राह्मण सब तो ज्यादा सफल होया। क्यों सफल है, उनके कुल समान बहुत सी, चार वेद छे शास्त्र 18 पुराण 27 स्मृतियां ग्रंथां दे ढेर लग गए, वो सारे उनकी मदद करने वाले सन। उन्हें अपने कर्म नूं ही धर्म बना लिया, जेड़ा कर्म भी वह करना चाहता सी धर्म के घेरे घेरे विच लै लिया। ये धर्म है, तीर्थां ते आप बैठा सी उत्थे पूजा कराना चाहता सी, इसलिए उन्हें एक धर्म बढ़ा दिता भी हर आदमी नूं तीर्थां ते जाके इशनान करना चाहिए, ताकि उत्थे वो आउण देण वास्ते मैं घर घर किन्नी देर मंगन जावांगा, उत्थे आउण जिहड़ी उहदी लोड़ सी उहने उहनूं धर्म बना लिया। हुण देखो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी उस गल नूं धर्म नहीं मनदी। गुरु आखदे ने ना तू आवे ना बस तीर्थ नहाइए, सतगुरु आख आख तीर्थ नहावन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। ते ब्राह्मणिज्म ने अपने कर्म नूं सफल करन लई धर्म रूप मान कर लिया, बना लिया। वो धर्म जिन्हों असी ब्राह्मणिज्म आखते हैं, उन्हें हर कर्म अपना जिहड़ा भी वो करना चाहता सी, बड़ा ये लंबा विस्तार पूर्वक विषय है कि किन्ने भैड़े कुकर्मां भी उसने धर्म बना दिता। जो इतिहास में पढ़ना जो इसकी पढ़ना तो हैरान हो जाना, उन्हें समाज कुकर्म आखता है, मैं कुकर्म आखता है। और इस गल तो बचे असी भी नहीं, मैं अगले आने वाले समय अंदर स्पष्ट करांगा, भावें कोई नाराज हो राजी हो, जो कुछ गुरबाणी से दिन दी वो मेरा फर्ज बनता है। मैं एक अपनी जबान कुछ नहीं कहता, जो कुछ हो रहा वरत रहा गुरबाणी दस रही मैं वो थोड़े को साझा करांगा आने वाले समय में। हुण अपनी जबान हर वो कर्म जिहड़ा करना चाहता सी उन्हें धर्म के खेत्र में लै लिया। हुण समाज उस धर्म कर्म नूं पसंद नहीं सी करता, पर वह जदों उन्हें धर्म के खेत्र में लै लिया लोगों के सिर झुक गए, धर्म के सामने सिर झुक जाता कुछ बोलन जोग। गुरु ने क्यों कह दिता अपनी बाणी अंदर
के हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाई नारद कया से पूज कराई अंधे गूंगे अंध अंध हर अंधे भी हो गए गूंगे भी हो गए सब कुछ देख रहे सन पसंद भी नहीं सन कर दे पर बोलन जोगे नहीं सन वो अवस्था साढ़े बच भी है मैं नहीं थोड़े सब स्पष्ट करना चाहना अंधे गूंगे अंध अंधार हो गए और एक ख्याल करियो पुरानियां जड़ियां कहावतां ने ना उन्हां दे पिछे भी बड़ी वड्डी लॉजिकता है एक कहावत सी ओ सी के राजे ने कलंकी हुंदे ने क्यों के राजियां नूं कोई सजा नहीं दे सकदा कलंक ओही जिन्ना मर्जी कर लैण हुण ब्राह्मण ने जदों अपना धर्म बना लिया ते हर आदमी नूं गुलाम कर लिया उस धर्म लफ्ज़ धर्म एक रस्सी है जिस दे उत्ते विश्वास करना पैंदा है विश्वासी हो गया मानो धर्मी नतीजा यह निकलिया कि उन्हों ब्राह्मण नूं पता सी कि हुण सारी मखलूकात जिहड़ी है मेरी वो है अंधे गूंगे अंध अंधार उन्हें अपने कर्मां दी सजा जिवें राजे ने कलंकी हुंदे ने ये सजा खत्म कर दित्ती कि ब्राह्मण कोई भी काम करे वो गुनाह ने बल्कि जे उन्हों कोई उस दे कीते गलत काम दी सजा दिंदा है तो उन्हों ब्रह्म हत्या लगेगी इतिहास और इतिहास गुरबाणी विच भी है स्पष्ट किया गया अपनी रचना तो सतगुरु बाणी विच कहिंदे अनक पातक हरता गुरबाणी दी तो कहे अनक पातक हरता तेर भवन नाथरी बड़ी लंबी चौड़ी सखी है कि ब्रह्मा अपनी बच्ची ते आशक हो जाता है सरस्वती ते पढ़ लो मैं अपनी जबानों कुछ आखा मैं गुनाहगार हाँ पर जिहड़ी सच्चाई तुहाडे सामने रखा हो तो मेरा फर्ज हक बनला है ब्रह्मा अपनी बच्ची ते सरस्वती ते आशक हो जाता है भक्त माल पढ़ लो उन्दे च भी संखेप भी दिता होया बच्ची वेखदी है पिता दे नजरां बदल गईयां ने वो बचन वास्ते सज्जे पासे जांदी है वो उधर आपदा मूंह ला लैंदा है भावें मिथास है मैं पर मैं एग्जाम्पल तुहाडे सामने रखना चाहना वो दूजे पासे दौड़दी है उधर मूंह ला लैंदा है जदों चारे पासे बचन की कोशिश करती है तो फिर वो ब्रह्मा अपना मूँह उस पासे ला लैंदा है तो अखीर नूं वो उपर उड़दी है जिवें मिथास लिखिया है मैं मिथास का सिर्फ उन्नक जिक्र करना चाहना तुहाडे नाल एग्जाम्पल वजो भी ब्रह्मणिज्म कित्थों राज कित्थों कायम होया करम ते धर्म का अंतर किवें पै गया वो तालू विच जदों उपर उड़दी है तो उपर मूँह ला लैंदा है जिसनों वेख के मिथास ये कहिंदा है कि शिवजी नूं गुस्सा आउंदा है वह अपनी त्रिशूल नाल उनका उपरला सिर वड दिंदे ने भी ये गुनाह कर रहा है बच्ची परेशान है हुण हक ते बनदा सी शिवजी ने गलत काम तो नहीं ना किया मिथास के मुताबिक जो कुछ आए वह एक गल कहिंदा है पर वह जिहड़ा उपरला सिर वड्या सी क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गई शिवजी नूं उहदे हाथ की तली दे उत्ते आके टेकेगा वह हुण लवे लवे ना बड़ा औखा हो गया उन्हूं पता लगा जिस तीर्थ ते जावां किसे तीर्थां ते इशनान करां भला मराए ब्रह्म हत्या वाला पाप उतर जाए इहदा मतलब ब्रह्म हत्या एक पाप इन्ना वड्डा पाप है भावें जिन्ना मर्जी आपदी बच्ची ते भी वह गुनाहगार होवे तद भी उहनूं नहीं मारिया जा सकता सजा नहीं दित्ती जा सकती मिथास मिथास है अज भी पढ़ सकदे हो सारिआं तीर्थां ते भरमदा रहा ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨਕ ਪਾਤਕ ਹਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ
ਮੇਰੇ ਭਾਵਨੇ ਨਾਥ ਰਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਮਿਥਾਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰ ਭਵਨ ਨਾਥਰੀ ਤੀਰਥ ਤੀਰਥ ਭਰਮਤਾ ਲਹਿ ਨਾ ਪਾਰੜੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਜਾਏ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਪਾਲ ਮੁਫੀ ਟਸਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕਪਾਲ ਕਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਹੈ ਇਸੇ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੀਰਥ ਕਪਾਲ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਚਿਆ ਗਿਆ ਪਾਪ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਉਤਰਿਆ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਧਰਮ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਣ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਾਕਾਰੀ ਤੂੰ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸੁਣ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਾ ਪਾਕਾਰੀ ਜਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਭਾਈ ਸੋ ਆਤਮ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਡੀਕਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲਫਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ ਉਹ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੱਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪੁੰਨ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਧਰਮੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿ ਕਿਉਂ 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 ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਉਲਝਣ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਓ ਧਰਮ ਐ ਬਹੁਤੇ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੇਦ ਧਰਮ ਨਿਰੂਪੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਤਾ ਦੀਸੈ ਸਭ ਲੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਰਤਾ ਦੀਸੈ ਸਭ ਲੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਵਨ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਏ ਜਿਤ ਸਾਧੇ ਸਾਧ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਕਰਮ ਹੈ
ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਣ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਅਤੇ ਅਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਸਾ ਸਾਧ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੈਂ ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾਂ ਜੋ ਲਿਖ ਦਈਆ ਛੱਡ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਈਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਧਰਮ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਧ ਧਰਮ ਨਿਰੂਪੀ ਐਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਧਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲਿਓ ਇਉਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨਾ, 4 ਵਰਨ 4 ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏ, ਖੁਦੀ ਬਖੀਲੀ ਤਕੱਬਰੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਨ ਕਰੇ ਨਿਤਿਹਾਣੇ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏ, ਸੁਨਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਹਿੰਦੂ ਲੁਬਾਣੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਾਏਂਦੇ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁਹਰਾ ਭੁਲਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਡੀਠਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਿਉਂ ਰਚਿਓ ਮੀਠਾ। ਸੱਚ ਧਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੁਲਾਣੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੱਡਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਕਾਰਨ ਇੱਧਰ ਸੌਣਾ ਪੈਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਇਸ ਪਲ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਲੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਲਾਮੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਲਾਮੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ
कर्म ने धर्म नू बनाना शुरू कर दिता। संसार ने एक ऐसा वक्रा फैसला कर लिया, एक ऐसा वक्री पद्धति बना ली, एक सिद्धांत बनाया कि जेड़ा भी शक्तिशाली सी उन्हें अपने कर्म नू धर्म का नाम दे दिता, जेड़ा गलत सी जिथों इस संसार दोजकी बनिया, इस स्वर्ग संसार नू दोजक दा रूप दिता ते उना लोगों ने दिता जेड़े कर्मा नू धर्म बना दे बनाने दी शक्ति रखते सन। चंगा हुंदा जे धर्म कराए कर्म वाला गुरु फरमान जेड़ा धर्म दे सहारे कर्म हुंदा। ते सतगुरु ने एहो गल बाणी विच आख दित्ती, कहन लगे मैं देखदा कि जिस दिन तू धर्म दे अधीन कर्म करेंगा फिर तैनू पता होगा इस संसार दे अंदर शरीर तेरा एक खेत है, इन दे विच सच ता ए है कि जेहा बीजे सो लुणा। धर्म दी निशानी ए है, उन्हूं तू बदल नहीं सकदा, झूठ से नहीं बन सकदा, पर तू चाहना ए है करदा ए है कि मैं बीजे बेख मंगे अमृत। गुरबाणी है, कहन लगे नतीजा है निकला तेरे हाथ ताकत आई है, तू चाहता ए है बीज वेख मंगे अमृत वेख ए नयाओ। पर ये गल धर्म विच रब्बी निजाम विच शामिल नहीं, उत्थे ता ये गल है सतगुरु कहंदे ने करम देखे करम एखे जेहा बीजे सोलुने। जेहा बीजे खेतीबाड़ी फसल बीजन लई धर्मशाल की है एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उत्थों पुछ किस मौसम विच किस धरती ते किन्ना साधना नाल तू की बीज बीजना है। ते जे उत्थों नहीं पुछेगा धर्म कोलो ते बिना धर्म दे कर्म करदा चला जाएगा तो नतीजा ये निकलेगा जो अज संसार नाल हो रहा है। इन्हां शब्दां नाल खिमा दा जा चिखा फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।